आवेशित चालक की ऊर्जा। इससे पहले हमने देखा कि चालक की धारिता, चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक में एकत्रित होता है। जैसे जैसे चालक को जब आवेश देते हैं हम लोग, वह आवेश कहाँ जाता है, चालक में आवेश देते हैं तो उस चालक में इकट्ठा होता जाता है, जिससे हम कहते हैं कि विभव का मान बढ़ रहा है। हाँ, और यह जो उसमें एकत्रित होता है वह किस रूप में कहते हैं, उसको जो है हम कहते हैं कि उसके विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसकी धारिता के रूप में होता है। जितनी उसकी क्षमता रहेगी चालक की, उसी हिसाब से उसमें आवेश जाएगा। इसी के संबंध में चर्चा किया गया था कि जैसे ये चालक है, इस चालक को ये आवेश दिया गया, ये यह आवेश इसमें आते जाएगा, लेकिन उतना ही आवेश आएगा जितना इसमें की क्या है, धारिता है, उससे ज्यादा आएगा क्या, नहीं। इसमें एक प्रश्न और है कि क्या चालक को आवेश देने पर, मतलब जितनी क्षमता है चालक में, उस क्षमता के रूप जितना मात्रा में आवेश आ सकता है, वह पूरा आवेश एक ही बार में आ जाएगा या उसके आने में समय लगेगा। एक सिंपल से एग्जांपल को फिर से एक बार ले लेते हैं। जैसे हम पानी का ही उदाहरण लिए थे, इसकी क्षमता जो है 5 लीटर का है। अपने पास दोनों तरीका है, क्रमशः पाइप के द्वारा 5 लीटर का पानी जो है बूंद बूंद करके या जैसे भी आ रहा है कुछ समय तक के, है ना। एक ही बार में पूरे 5 लीटर पानी को डाल दिया तब भी आ गया, दोनों स्थितियां हो रही है ना, कि एक बार में ज्यादा मात्रा में और धीरे धीरे पूरा। क्या चालक में भी ऐसा होता होगा कि आवेश देते जा रहे हैं तो वह आवेश जो है एक ही बार में पूरा पहुंच जाए या समय लगता है? तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में जो वृद्धि होती है, वह विभव में वृद्धि, विभव क्या है, एक प्रकार का कार्य, विभव एक प्रकार से क्या है, कार्य। कैसा कार्य, आवेश को चालक, या ऐसा कहें कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में आने में किया गया कार्य। जैसे मान लो यह कोई चालक है, इस पर कोई आवेश है क्या, अभी नहीं, इसमें यह आवेश आ रहा है, आया। जो विभव की परिभाषा बताई गई थी वहां पर कार्य से मतलब कैसा, किस प्रकार का कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बल के विरुद्ध किया गया कार्य। भाई धनावेशित क्षेत्र है, उसमें दूसरा आवेश आ रहा है तो वो उसको आने दे रहा है क्या, नहीं, तो वहां प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कार्य। प्रारंभ की स्थिति सोचो जरा, जिस समय इस पर कोई आवेश नहीं है, तब यह आवेश क्यों जब इस भाग में इस चालक पर आता है तो इसको कोई प्रतिकर्षित करने वाला है क्या, यहां पर नहीं, इस पर कोई बल लगा रहा है क्या, तो इस चालक को जब कोई बल नहीं लगा रहा है, इधर प्रतिकर्षण बल नहीं लगा रहा है, तो इसको आने में आसानी जाएगी, तो यह आवेश क्या हुआ, इसमें आ गया, कोई ज्यादा कार्य करना पड़ा क्या, नहीं, कुछ कार्य नहीं करना पड़ा। आगे सोचते हैं थोड़ा, दूसरा आवेश है Q1, वह जब आ रहा है तब इस चालक में अब कौन उपस्थित है, पहले से प्लस क्यू, और ये प्लस Q1 इसमें आ रहा है। अब सोचो कंडीशन क्या होगी, ये धन आवेश से आवेशित है, इसको तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य क्या हो जाएगा, इसका यहां पर आने के लिए विभव, तो इसका विभव का मान थोड़ा सा ज्यादा हुआ। कुछ अन्य स्थितियों पर चलते हैं, Q2 आवेश ले लेते हैं, आ रहा है,
यहाँ पर कौन है? पहले से कुछ ज्यादा मात्रा में आवेश है तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य होगा तो ज्यादा विभव होगा। आई बात समझ में? निष्कर्ष क्या है? जैसे जैसे इस पर आवेश का मान क्या होते जाता है, आने वाले आवेश का मान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, आवेश जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उसके क्या बोलते हैं, अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में जब आवेश जो आ रहा है उसके आने के लिए जो कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है, विभव का मान नहीं बढ़ता है, मतलब वहां पे कार्य का मान अधिक कार्य करना पड़ता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह स्थिति जब चालक पर कोई आवेश नहीं था तो उस स्थिति में प्रारंभ में जब धन आवेश आता है तो उसको तो कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे आवेश क्रमशः आते हैं वैसे वैसे कार्य का मान क्या होते जाता है, अधिक करना पड़ता है। यही कार्य, यही जो कार्य है वह कार्य उस चालक में किस रूप में संचित रहता है, ऊर्जा के रूप में। इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक स्थिति जब कोई आवेश नहीं था तब तो हम देखें यहां पर कुछ कार्य नहीं करना पड़ा, तो ऐसा मान सकते हैं कि उस समय के लिए विभव का मान कितना, शून्य है ना, उस समय के लिए विभव का मान शून्य। और जैसे जैसे आते गए तो उस समय अंतिम स्थिति के लिए ले लेते हैं तो कितना विभव भी, इसलिए औसत विभव, औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो और वी का हाफ दोनों को योग करके, अर्थात औसत विभव का मान कितना हो गया, वी बटे दो। विभव की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार विभव बराबर क्या बताया गया सूत्र, कार्य और आवेश। यहां पर कार्य से तात्पर्य इस आवेश को लाने में किया गया कार्य, अर्थात कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुणा आवेश, अर्थात कार्य W बराबर हो जाएगा V और आवेश बराबर हो जाएगा Q। इसको ऐसा लिख लें Q इंटू V बराबर कार्य, है ना। इसमें ये तो परिभाषा के हिसाब से हम लिए सूत्र, अब स्थिति जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से लें तो यहां पर विभव के रूप में कौन सा विभव हो जाएगा, औसत विभव। ठीक है, तब उस हिसाब में या उस कंडीशन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर Q इंटू वी अपॉन टू, या ऐसा कहें क्यू वी अपॉन टू। यह क्या है, यह है किया गया कार्य जैसे जैसे आवेश आते जाएगा। अब यही कार्य किस रूप में रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। U इक्वल टू वन अपॉन टू क्यू इंटू वी। दो तीन अलग अलग स्थितियां आती हैं इसमें, यानी अगर हम संधारित्र की धारिता वाला सूत्र ले लें तो Q इक्वल टू सी इंटू वी, ये सूत्र शुरू में बताया गया था, आवेश देते जाएंगे विभव का मान बढ़ते जाएगा। इस सूत्र से कोई भी एक राशि का मान इसमें से या तो भी का मान निकाल के रखेंगे या क्यू का, तो दोनों को देखते हैं। क्यू का मान यदि हम रखते हैं इसमें तो क्या आ जाता है, यू बराबर सी भी इंटू वी अपॉन टू, अर्थात सी भी स्क्वायर अपॉन टू। यह है हमारे लिए समीकरण एक, यह है समीकरण दो। आगे चलते हैं, इस समीकरण से यदि भी का मान निकालें Q इक्वल टू सी भी वाले सूत्र से, V बराबर क्या निकल आएगा, Q अपॉन C, तब
ऐसा तब की स्थिति में यू बराबर हो जाएगा, मान रख लें तो सी वी वी इक्वल टू क्यू अपन सी, वी का मान रखें यहां पर इस सूत्र देखो Q इक्वल टू सी वी या V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो यहां पर V का मान रख लेते हैं तो सूत्र आ जाता है Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू अपॉन टू सी अर्थात Q स्क्वायर अपॉन टू सी, समीकरण तीन। इस तरीके से हमारे पास U के लिए तीन प्रकार का समीकरण आया, एक वन अपॉन टू क्यू वी, दूसरा सी वी स्क्वायर अपॉन टू, तीसरा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। यह है यही जो कार्य का सूत्र है, किस रूप में है यह कार्य, ऊर्जा के रूप में, तो हम क्या कह सकते हैं यह ऊर्जा के तीन सूत्र हुए। ठीक, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी जो टॉपिक पढ़ाया गया है इससे संबंधित एक, इससे संबंधित नहीं बोलेंगे अभी, पहले उस कंडीशन को बताते हैं, उसके बाद आपको सोचना है कि वो किससे संबंधित होगा, क्या इस कंडीशन से मिलता है। अभी वाले टॉपिक में बताया गया कि किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस चालक में एक ही बार में पूरा का पूरा नहीं जाता, उसको पहुंचने में क्या लगता है, समय। अब मैं कुछ एक घटना पर चलता हूं जो आजकल प्राय हर जगह है, हमारे दैनिक दिनचर्या का एक आवश्यक भाग हो गया है। चार्ज को अंग्रेजी में बोला जाता है, आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चार्ज। आवेशित करने को क्या बोलते हैं, चार्ज करना। वैसे 1% कोई कहते होंगे तो कहते होंगे, नहीं तो प्राय मेरे ख्याल से सब लोग चार्जिंग शब्द का ही उपयोग करते हैं। बैटरी डाउन हो गई तो फिर मोबाइल क्या करते हैं, चार्ज करता, ऐसा बोलते हैं ना। मोबाइल हमको क्या करना है, चार्ज करना है। वहां पर भावार्थ ये रहता है कि उसकी जो बैटरी है उस बैटरी को चार्ज करना है, और सरलतम व्याख्या करते जाएं तो बैटरी को क्या करना है, आवेशित करना है। प्रायः सब लोग देखे होंगे कि जब हम उसको आवेशित करते हैं वहां पर साइड में बैटरी का एक छोटा सा चित्र बना रहता है, देखे होंगे। उस समय जब हम प्लग में लगाते हैं, चाहे हम चित्र को देख करके ध्यान दें तब या बगैर देखे, क्या उसको हम चार्जिंग करते हैं। चलो टॉपिक से हट करके ही चलें, प्लग पे लगाए, विद्युत धारा उसने प्रवाहित किए, तो क्या वो तुरंत का तुरंत चार्ज हो गया, समय लग रहा है। अब बताओ वो इससे रिलेटेड है कि ये नहीं है, है? तो ऐसे ही होता है कि जब हम किसी चालक को चार्ज करते हैं अर्थात आवेश देते हैं तो वह आवेश एक ही बार में नहीं, तो वही ऊर्जा क्या है, उसकी आवेशित चालक की ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संबंध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण, अब देखते हैं इसको। माना पहले टॉपिक ले लेते हैं, दो दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण टॉपिक की शाब्दिक व्याख्या, एक एक शब्द का निकालते जाओगे तो फिर और दो, मतलब संख्यात्मक रूप में दो है ना, संबद्ध अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए, आवेशित चालक अर्थात कौन जुड़े हैं एक दूसरे से, चालक। वो चालक कैसे हैं, आवेशित हैं, तो उनको आवेशित चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो आवेश का क्या होता है। तो टॉपिक तो लिखा हुआ है तो हिसाब से कह ले रहे हैं कि पुनर्वितरण हो रहा है। ठीक है, हमको उसके में देखना है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन सी स्थितियां बनती हैं। हाँ, तो इसके लिए मानते हैं ए और बी दो चालक हैं, ए बी, इन चालक की धारिताएं
चालक ए और चालक बी जो है इसकी धारिता क्रमशः किस प्रकार से है, C1 C2 अर्थात ए की धारिता यानी जो हम सामान्य शब्दों में बोल रहे हैं क्षमता है ना, तो इसकी धारिता कितनी है C1, इसकी धारिता कितनी है C2। यदि हम इसको आवेश दिए, क्या आवेश दिए Q1, और इसको कितना आवेश दे दिए Q2 आवेश दिए। किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, उसका विभव बढ़ता है, तो इसका विभव कितना हो गया V1 और इसका विभव कितना हो गया V2। अब देखते हैं इधर दोनों का अलग अलग। पहले A का जब A को जोड़ रहे हैं तो इसका कुल विभव का मान कितना होगा, अर्थात कुल विभव नहीं ऊर्जा, थोड़ी देर पहले यहां पर हम कुछ टॉपिक्स बताए थे उसमें एक सूत्र पर पहुंचे थे, वह सूत्र आया था U बराबर 1/2 C V स्क्वायर। तीन सूत्र प्राप्त हुआ था 1/2 C V स्क्वायर। हम उन तीनों में से उस सूत्र का उपयोग करके आगे की व्याख्या करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, जिसमें धारिता और विभव दोनों हो, ठीक है। बाकी सूत्र में ये दोनों एक साथ में नहीं था। तो U=1/2 CV² वाले सूत्र से पहले चालक, दोनों को अलग अलग समझो, पहले चालक का ऊर्जा, तो A की कुल ऊर्जा शब्द नहीं आएगा, A की ऊर्जा, चालक A की ऊर्जा कितना हो जाएगा उस सूत्र के अनुसार 1/2 C और V। अब देखो यहां पर A के लिए धारिता कितना है C1 और विभव कितना है V1, तो ये हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर। A की ऊर्जा हो गई, B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसी तरीके से B की ऊर्जा बराबर 1/2 B की धारिता यानी C2, B का विभव अर्थात V2 स्क्वायर। इन दोनों को गणितीय रूप में जोड़ते हैं, कुल कितना होगा इन दोनों का कुल, जिसे हम गणित में 3 × 2 कितना होता है तो जोड़ते हैं ना धन चिन्ह लगा के, वैसे ही कुल ऊर्जा, ठीक है। ये जोड़ने के पहले है, अभी जोड़े नहीं है, लेकिन मानते हैं अगर ऐसा है तो कुल कितना होगा, तो कुल ऊर्जा क्या होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है, देखो हम क्या किए, दोनों को अलग अलग किए, दो आवेशित चालक हैं, या ऐसा कहें दो चालक A और B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 हैं, उन्हें चालक A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है, चालक B को आवेश Q2 देने पर उसका विभव V2 हो जाता है, तब चालक A की ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, B की ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसलिए कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान कितना आ गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसके पहले ये तो ऊर्जा का वितरण जो है यह हो रहा है, इसके पहले हमको कुछ चीजें और देखनी है। जब हम इसको जोड़ देते हैं तब क्या होता है, ये जोड़ने का पहले का हो गया, अब यदि हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अलग अलग व्याख्या था ये,
ए पर आवेश कितना है, बी पर आवेश कितना है, क्यू टू। अब आगे चलते हैं, जोड़ने पर कुल आवेश मतलब क्या हुआ, क्यू, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू। लो ये हम इनको क्या कर दिए, आपस में जोड़ दिए, किनको, चालक ए को और बी को, तो कुल आवेश हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू। परंतु क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी, तो क्यू वन बराबर क्या हो जाएगा, सी वन वी वन, क्यू टू बराबर हो जाएगा सी टू वी टू, और धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू। इसका आवेश क्यू बराबर सी भी, पहले का हो जाएगा सी वन वी वन, दूसरे को जाएगा सी टू वी टू, और कुल धारिता सी बराबर सी वन प्लस सी टू। आया समझ में, कि उदाहरण देना अभी पड़ेगा। देखो धारिता मतलब सिर्फ क्षमता, जैसे हमारे पास दो बर्तन है, एक बर्तन है 5 लीटर का, दूसरा बर्तन है 4 लीटर का, तो दोनों मिला के कुल कितना होगा, 9 लीटर, यही हुआ ना। तो वैसे ही C1 और C2 बराबर C1 प्लस C2, एक पर आवेश है Q1, मतलब मान लो एक पर आवेश है 5 कूलाम, दूसरे पर है 4 कूलाम, कुल कितना आवेश हुआ, 5 × 4, ऐसे सामान्य, तो ये आवेश Q1 Q2 प्लस हो गया, और ये धारिता। इन सब मान को इस सूत्र में रखने पर, इस सूत्र से क्या होगा, इसका मान, इसका मान, इसका और इनका मान इस सूत्र में रखने पर आ जाएगा Q के बदले में C V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। C2 V2 या V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C, और सॉल्व कर लें इसको, C1 प्लस C2 अपॉन कितना जाएगा, सॉरी यहां पर पहले इसको लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, किसका मान, V का मान, अर्थात V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर V का मान बराबर C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। एक चीज ध्यान दो, इस सूत्र में Q बराबर क्या है, कुल आवेश, C बराबर कुल धारिता, V बराबर कुल विभव, कब, जब दोनों को जोड़ दिया गया, जब जोड़ा नहीं गया है तब क्या है, तब तो सबका अलग अलग है, जब जोड़ा नहीं गया है उस समय सबका अलग अलग है, इसका आवेश है Q1, धारिता है C1, विभव है V1, लेकिन जब जोड़ देते हैं तब क्या हुआ, तो जब जोड़ दिए तब उस समय कुल आवेश हो गया Q, दोनों की धारिता बराबर हो गया C, दोनों के बीच का जो विभव है वह कितना हो गया V। आई बात समझ में, ये जोड़ने के पहले अलग है, पहले वाले का है, ये दूसरे का है C2 V2 Q2, और ये क्या है Q C V जोड़ने पर। अभी तक हम क्या किए,
दो चालक लिए थे, दोनों के बारे में बताया गया था कि एक की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, एक को Q1 आवेश दिया गया, दूसरे को Q2 आवेश दिया गया, तो पहले में V1 विभव हुआ, दूसरे में V2 विभव हुआ, जिस कारण से पहले की ऊर्जा C1 V1 स्क्वायर हुई, दूसरे की ऊर्जा C2 V2 स्क्वायर। ये जोड़ने के पहले की स्थिति है। गणितीय रूप में हम मान करके चलते हैं कि अगर इनको जोड़ देते हैं तो कुल ऊर्जा हमको इतना प्राप्त होना चाहिए, ऐसा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, जोड़ने पर कुल आवेश इतना है, जब जोड़ दिए तो कुल आवेश तो इतना हो गया ना, आपस में वितरित हो गया। जैसे दो अलग अलग लेवल वाले पानी को आपस में जब मिला दिया जाए तो क्या होता है, वह आवेश कब तक के दूसरे में बहते रहता है, जब तक के दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। अधिक वाले को कम वाले में मिलाएंगे तो अधिक से कम की ओर बहेगा, और कब तक बहेगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो वैसे ही जब इसको जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, इस Q1 Q2 के बदले में क्या हो गया, Q हो गया, और V1 V2 के बदले में क्या हो गया, V। ये बर्तन आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे, ठीक। इस तरीके से जो V है उभयनिष्ठ विभव, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, तो कितना आया उसका मान, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जब जोड़ दिए तो जोड़ने के पश्चात फिर यहां पर कितना आवेश आया, तो माना जोड़ने के बाद इसमें जो आवेश आया है वह है Q1, और इसमें जो आवेश आया है वो कितना आया है, Q2। ये तो उभयनिष्ठ आवेश था, लेकिन दोनों का अलग अलग कितना है, तो हम बताएंगे जोड़ने के बाद इसका Q1 हुआ, इसका Q2 हुआ। हो सकता है पहले वाले आवेश से वाले आवेश का मान कम हुआ हो या ज्यादा हुआ, वो अलग बात की बात, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक। तब जोड़ने के बाद A पर का जो आवेश की मात्रा है, अब चूंकि जुड़ गए हैं फिर भी मान करके चल रहे हैं कि पहले में आवेश कितना गया, तो A में जाने वाले आवेश का मान है Q1 और B के लिए कितना हो गया Q2। तब Q1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले की धारिता और पहले में विभव। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में धारिता, दूसरे की धारिता और दूसरे का विभव, अर्थात C2 और B। पहले में Q1 आवेश आया, दूसरे में Q2 आवेश आया, स्मॉल Q1 स्मॉल Q2, और धारिता दोनों के अलग अलग है, अब विभव दोनों में समान है, दोनों का विभव वोल्टेज कैसा हो गया, बराबर हो गया। भाग दे देते हैं हम इसको, इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण 2, ये है समीकरण 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाता है, Q1 बटे Q2 बराबर C1 भी बटे C2 भी। इस भी का मतलब क्या है, यही वाला विभव, चाहे इस विभव को मान लिखो या इसको भी लिखो, बराबर है दोनों, तो आपस में क्या हो गया, कट गया। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, Q1 बटे Q2 बराबर C1 और C2, अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि दो आवेशित चालकों को आपस में जब जोड़ते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश वितरित होता है, और उन आवेशों का वितरण इस प्रकार से होता है कि सर अनुसार उनकी धारिताओं के हिसाब से, जितनी धारिता रहेगी उस हिसाब से आवेश क्या होंगे, उसमें एक दूसरे में जाएंगे, ठीक है, आवेश जाएंगे। अब यह देखना है कि इस प्रकार के वितरण में जो आवेश जाता है तो क्या ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का क्षय होता है या नहीं। समझे टॉपिक को, ये अलग अलग था, एक हुआ, एक होने पर जो है आवेश इस प्रकार से वितरित हुए, पहले में आवेश पहले की धारिता के अनुपात में, दूसरे में आवेश दूसरे के हिसाब से, जितनी जिसकी धारिता उतना उसमें आवेश। लेकिन हमको देखना है कि जब जोड़ने के पहले हम अलग अलग माने थे, क्या जोड़ने पर उसका ऊर्जा के मान में कुछ कमी होती है या नहीं होती है, वो देखेंगे। तो ये जोड़ने के पहले की ऊर्जा है, जोड़ने के बाद
जोड़ने के बाद ऊर्जा, ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा का सूत्र क्या बताया गया? 1/2 CV² सामान्य। तो ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी जोड़ने के बाद? तो ए की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 ए की धारिता अर्थात C1 और विभव भी स्क्वायर। बी के लिए हो जाएगा C2V². देखो यहां भी विभव कैसा है, दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में भी रहेगा ये अंतर, यही भर अंतर आ रहा है ये इसका V1 V2 अलग अलग इसमें उसमें उभयनिष्ठ हो जा रहा है। कुल जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, सामान्य गणितीय संक्रिया वाला हिसाब में जोड़ लेते हैं, 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² या 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V² 1/2 C1 प्लस C2 V का मान रखेंगे। अभी हम V का मान निकाले थे, उभयनिष्ठ विभव का मान कितना निकाले थे? V का मान निकाले थे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। उस मान को इस यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, देखो फिर से 1/2 C1 प्लस C2। ये यहां से हम क्या किए, 1/2 और ये जो V है वो उभयनिष्ठ बाहर ले लिए, बचा केवल C1 प्लस C2। इधर V का मान रखे, उभयनिष्ठ विभव का मान जो यहां निकाला गया था कुछ देर पहले, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, आगे इस ऊर्जा को हम संकेत दे देते हैं U2, और पहले जो निकाले थे यहां पर इसको नाम दे देते हैं U1। यहां पर U1 बराबर 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² तो U2 बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको यहां पर जोड़ने के बाद की ऊर्जा, 1/2 C1 प्लस C2 या स्क्वायर भी रहेगा, ये स्क्वायर है और इधर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहां पे जो स्क्वायर के नीचे ये वाला ब्रैकेट में है C1 प्लस C2, ये स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, ले लेंगे इसको C1 प्लस C2 और ये घात दो, ये घात दो और इस ऊपर वाला पद एक में कट जाएगा, बचेगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। किसका मान आया ये? यह मान आया U2 का। दोनों चालकों को जोड़ने पर हम अब जोड़ने के पहले जो अलग अलग ऊर्जा थी उसके हिसाब से जोड़ करके देखते हैं तो इतना मान आ रहा है। यह मान कितना आ रहा है? यह मान आ जा रहा है 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² U2 का जो मान आ रहा है प्राप्त हो रहा है हमको, वह कितना प्राप्त हो रहा है? वह मान आया 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2² अपॉन C1 प्लस C2। ऊर्जा के मान में कुछ कमी हुई है या परिवर्तन हुआ है उसको देखते हैं आगे।
तो U1 क्या था, जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा, अर्थात U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये मान था U1 का। U2 का जो मान है वह कितना आया था, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे की घात 2 / C1 प्लस ये मान, ठीक। आगे अंतर, तो U1 माइनस U2 बराबर, घटा देते हैं इसको, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, उसका मान रख लेंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर पूरे का, और इधर आ जाएगा C1 प्लस C2। U1 माइनस U2 बराबर, ये 1/2 ये 1/2 बाहर ले लेंगे पूरे को उभयनिष्ठ, इसको और हल करते हैं व्यंजक को, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर पूरे के बटे में आ जाएगा C1 प्लस C2। अब यहां पर ध्यान देना रहेगा थोड़ा सा गणितीय संक्रिया में कुछ, 1/2 देखो हम ब्रैकेट तोड़ते जाएंगे, अब इसमें C1 का यहां पर इस पद में गुणा करेंगे, इसमें करेंगे C2 का गुणा इसमें और इसमें, क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसका गुणा यहां पर किए C1 V1 तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 गुणा किए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस इस C2 को गुणा इसमें करते हैं तो C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको गुणा यहां पर किए तो C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस a प्लस b पूरे की घात 2 वाला जो सूत्र है उस सूत्र से इसका वर्ग हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद नीचे जाएगा C1 प्लस C2, इसमें ये स्टेप इससे कटा कैंसिल, ये C2 नंबर का स्टेप इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस यहां से 2 C1 C2 V1 V2 2 C1, इसको व्यवस्थित लिख रहे थोड़ा, C1 C2 के एक साथ V1 V2 के एक साथ C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 या C1 C2, ये C1 C2, यहां भी C1 C2, यहां पर भी C1 C2 बाहर निकाल लिए,
ब्रैकेट में बचेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर वन अपॉन टू सी वन सी टू, ये आ जाएगा वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। अर्थात व्यंजक प्राप्त हुआ हमको सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन टू सी वन प्लस सी टू। किसी भी वर्ग वाली संख्या का मान हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक। जैसे ऋण दो की घात दो तो धन आएगा, तो वैसे ही यहाँ पर वी वन माइनस वी टू की घात दो है, अर्थात ये राशि कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। इसका मान धनात्मक होने का अर्थ क्या है, उसका मान धनात्मक होने का अर्थ है कि यू वन माइनस यू टू का मान भी क्या हुआ, धनात्मक हुआ। हम यहाँ कह सकते हैं कि वी वन माइनस वी टू का वर्ग ये कैसा है, धनात्मक प्राप्त हुआ है। इसका मान धनात्मक हुआ अर्थात क्या हुआ, यू वन माइनस यू टू का मान भी कैसा प्राप्त हुआ हमको, धनात्मक। इस स्थिति में हमको मान क्या प्राप्त हुआ था, पहले सी वन सी टू बी वन माइनस बी टू होल स्क्वायर अपॉन टू सी वन सी टू, ये सूत्र है ये। तब यू वन माइनस यू टू का मान धनात्मक है, अर्थात ऐसी स्थिति में ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी हम कह सकते हैं कि U1 माइनस U2 का मान भी धनात्मक होगा, अर्थात आवेश के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। अर्थात आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। समझ जाओ टॉपिक को फिर से एक बार, कि यहाँ पर U1 माइनस U2 का मान आया 1 अपॉन 2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इस सूत्र में V1 माइनस V2 स्क्वायर का मान जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है। इस कारण से U1 माइनस U2 अर्थात दोनों की ऊर्जाओं का अंतर, जोड़ने के पहले की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा का अंतर का मान भी धनात्मक हुआ। इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अर्थात दो आवेशित चालकों को जब आपस में जोड़ा जाता है, दो चालकों को जब आपस में जोड़ा गया किसी विद्युत के चालक तार से, तो उनमें एक में से दूसरे में क्या होता है, आवेश जाता है। वह आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में जाता है और इस दौरान उनके ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी आती है। दोनों की जो अलग अलग ऊर्जा थी, वह ऊर्जा जो है जोड़ने के बाद जो हम नापते हैं उसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। यही है आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास का सूत्र। ठीक है, धन्यवाद।